वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, इस वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, बेसिक प्रोग्राम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार प्रोग्राम हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एडिटर खोल लिया हमने, सबसे पहले हम बना रहे हैं एडिशन का प्रोग्राम। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, ये फाइल क्यों लगानी जरूरी है, जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। ये यूजर से इनपुट और आउटपुट लेने देने का काम करेगी। सेकंड हैश इंक्लूड conio.h, ये CHR SCR और GET CH के लिए यूज करी है हमने। फिर नेक्स्ट लाइन में void main, यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। नेक्स्ट लाइन CLR SCR, मैं चाहता हूं कि पुराना वाला कोई आउटपुट मुझे ना दिखे कंसोल विंडो पे, तो CLR SCR। फिर नेक्स्ट लाइन मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूं जिससे मुझे यूजर से दो नंबर चाहिएंगे क्योंकि ऐड करना है, दो नंबर को ऐड कर रहा हूं मैं और एक उनका रिजल्ट प्रिंट कराऊंगा, तो तीन वेरिएबल चाहिए। तीनों में इंटीजर टाइप के बना रहा हूं, ये पहले हम डाटा टाइप में पढ़ चुके हैं कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इंट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो INT num1 num2 sum सेमीकोलन, स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगा था। तीन वेरिएबल बन गए इंटीजर टाइप के, num1 num2 और सम। अब मुझे वो दो नंबर किससे लेने हैं, यूजर से लेने हैं, तो मैं यूजर को एक मैसेज प्रिंट कर देता हूं। मैसेज प्रिंट करने के लिए printf कमांड का, printf फंक्शन का यूज करते हैं। तो printf स्मॉल ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा में एंटर फर्स्ट नंबर इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब यूजर एक नंबर इस मैसेज को पढ़ने के बाद एंटर करेगा, उस नंबर को रीड कराना है। तो रीड करने के लिए जो फंक्शन है वो होता है scanf। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे scanf। scanf फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है, जब भी यूजर को इनपुट देगा तो उसको रीड करने के लिए हम scanf फंक्शन का यूज करते हैं। ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कोमा %d इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा। %d क्यों लिखा, क्योंकि आने वाला नंबर किस टाइप का है, डेसिमल टाइप का, d स्टैंड फॉर डेसिमल। कोमे के बाद हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ num1, जिस मेमोरी लोकेशन पे num1 क्रिएट किया गया है उस लोकेशन पे जाके जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वो वहां पे सेव हो जाना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। इन दोनों लाइनों से क्या होगा, यूजर को एक मैसेज मिलेगा कि एंटर num1, number 1 वो एंटर करेगा और स्कैनर उस नंबर को पढ़ के num1 वाली लोकेशन पे सेव कर देगा। अब एक नंबर तो ले लिया यूजर से, अब सेकंड नंबर भी लेना है, तो वापस सेम लाइन है, प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कोमा एंटर नंबर सेकंड। प्रिंट एफ में हम चाहे जो लिख सकते हैं, एज इट इज यूजर को प्रिंट होगा, तो एंटर सेकंड नंबर इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। वापस स्कैन एफ करेंगे क्योंकि यूजर नंबर डालेगा तो हमको वो नंबर पढ़ना है। स्कैन एफ ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कोमा %d इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा एड्रेस ऑफ num2, पहला नंबर कहाँ डाला हमने num1 में, दूसरा नंबर कहाँ डालेंगे हम num2 में। अब दो नंबर यूजर से हमने रीड कर लिए, अब बचा है ऑपरेशन कि इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपल मैथमेटिक्स, सम नाम का तीसरा वेरिएबल था, मैं इसमें रिजल्ट लूंगा, तो सम इक्वल टू num1 प्लस num2 और सेमीकोलन। दोनों नंबर ऐड होके किसमें आ जाएंगे, सम में। अब ये किसको प्रिंट करना है, यूजर को प्रिंट करना है, क्योंकि यूजर को ही तो चाहिए, दो नंबर उसने एंटर किया था, वो चाहता है कि उनका सम वो देखे। तो अब इस सम को हम प्रिंट करेंगे, वापस प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ यूज करेंगे। क्लियर हो गया होगा अभी तक आपको कि कोई भी चीज प्रिंट करनी है तो प्रिंट एफ फंक्शन का यूज किया जाता है। तो प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा, इसमें लिखेंगे था सम इज %d इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा और सम। सम को हमने अलग से बाहर क्यों लिखा, क्योंकि सम को हम एज इट इज प्रिंट नहीं करना चाहते। हमने शुरू में भी कहा था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगी, पर इस बार हमको सम प्रिंट ना कराते हैं, सम के अंदर जो वैल्यू आई है वो प्रिंट करानी है। इसलिए मैंने सम को किसके बाहर लिखा है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखा है, और %d इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसलिए लिखा है कि अब जो नंबर प्रिंट होगा एक नंबर प्रिंट होगा, ये हमने कंपाइलर को बता दिया, इसलिए %d लिखा। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे गेट सी एच।
क्योंकि वो आउटपुट स्क्रीन हमको होल्ड करनी, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया था कि अगर मैं गेट से नहीं लिखूंगा तो आउटपुट स्क्रीन होल्ड नहीं होगी, मैं आउटपुट देख नहीं पाऊंगा, उससे पहले वो बंद हो जाएगी। और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, जो अवॉइडमेंट के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था वो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए शॉर्टकट की है F2। इस प्रोग्राम को मैं add.c के नाम से सेव कर देता हूँ। अब इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ कंपाइल, कोई भी एरर होगी तो मुझे यहाँ शो हो जाएगी। कंपाइल करने के लिए भी शॉर्टकट की है Alt+F9, या तो आप वो मेन्यू में से उसको कंपाइल वाले ऑप्शन से कंपाइल कर सकते हैं, या फिर Alt+F9 की प्रेस करके उसको कंपाइल कर सकते हैं। कोई भी एरर होगी तो हमको शो हो जाएगी। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के लिए भी ऑप्शन है, या तो उस ऑप्शन का यूज कर लें, या फिर शॉर्टकट की है रन करने के लिए भी Ctrl+F9। तो Ctrl+F9 करते हैं तो प्रोग्राम रन हो जाता है। जो मैंने printf में लिखा था वो एज इट इज मुझे दिख रहा है Enter num1। एक नंबर एंटर कर दिया, फिर वो मेरे से पूछ रहा है Enter number 2। नंबर 2 भी मैंने इंसर्ट कर दिया, फिर वो मुझे शो कर रहा है द सम इज, उन दोनों नंबर को जोड़ के उसने मुझे रिजल्ट दे दिया। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था दो नंबर को ऐड करने का। अब इसी प्रोग्राम में हम दो नंबर को माइनस करने वाला इसी प्रोग्राम में एडिट करके मैं बना देता हूँ, नहीं तो वापस पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ये प्रोग्राम लिखा हुआ ही है, दो मेरे पास सही है वेरिएबल, तीसरा है सम, सम की जगह मैं लिख देता हूँ माइनस, तीसरा नया वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने माइनस। अब इस प्रोग्राम में मेरे पास तीन वेरिएबल है num1, num2 और माइनस। printf की लाइन ऐसी वैसी रहेगी क्योंकि दो नंबर चाहिए, printf scanf फिर printf scanf एज इट इज रहेगा। जहां मैंने लिखा था sum=a+b मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ -a-b। अब a और b का जो भी माइनस होगा वो किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट printf में मैंने किसको प्रिंट करा रखा था, सम को, इसमें मैं किसको प्रिंट करा दूंगा, माइनस को प्रिंट करा दूंगा। तो मैंने सम की जगह क्या लिख दिया, माइनस, और मैसेज भी चेंज कर दिया तो माइनस इज। फिर गेट से एज इट इज रहेगा, इसको वापस कंपाइल किया, वापस रन किया, अब दो नंबर का माइनस होके मेरे सामने आ गया। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव एज करूंगा। सेव क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि पुराने एडिशन वाले प्रोग्राम के ऊपर जो मैंने add.c से सेव किया था उसी के ऊपर सेव हो जाएगा। इसकी एक नई फ्रेश कॉपी बने इसके लिए मैं इसको सेव एज करता हूँ। फाइल में क्लिक किया, सेव एज में गए और इसको -.c सेव कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ, एडिशन वाला प्रोग्राम तो बचा हुआ रहेगा ही, add.c तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, साथ में माइनस वाला प्रोग्राम भी एक फ्रेश कॉपी के रूप में सेव हो जाएगा। मेरे पास दोनों प्रोग्राम सेव है। अब इसी प्रोग्राम को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोग्राम में। अब आप समझ ही गए होंगे कौन सा वेरिएबल को चेंज करना है, माइनस वाले वेरिएबल को चेंज करके मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, और दो इनपुट वाली लाइन वैसी वैसी, स्कैनर भी वैसे के वैसे, सिर्फ जहां -=a-b लिखा था वहां मैं लिखूंगा Multiply=a-b। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होकर किसमें जाए, मल्टीप्लाई में जो पहले मैंने माइनस को प्रिंट कराया था उस जगह मैं किसको प्रिंट करा दूंगा, मल्टीप्लाई नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा दूंगा। द मल्टीप्लाई इज, और माइनस के जगह किसको कर देंगे, वापस अपन मल्टीप्लाई को कर देंगे। इस प्रोग्राम को भी रन करेंगे तो आप देखेंगे कि दो नंबर मल्टीप्लाई होकर आने लग गए हैं। अब वापस इस प्रोग्राम को मैं क्या करूंगा, सेव एज करूंगा। सेव एज करने से वो वाली कॉपी तो बनी हो रहेगी, माइनस वाले प्रोग्राम की एक नई कॉपी और क्रिएट हो जाएगी मल्टीप्लाई नाम से। तो इसको Multiply.c के नाम से मैं सेव कर देता हूँ। तीन प्रोग्राम तैयार हो गए। अब फोर्थ और लास्ट बचा है मेरे लिए डिवाइड का। डिवाइड में ध्यान रखना है कि डेटा टाइप हम क्या नहीं लेंगे, इंट नहीं लेंगे। इस बार हमको डेटा टाइप भी चेंज करना पड़ेगा, जिसको हम लेंगे फ्लोट, क्योंकि फ्लोट कौन सा भी नंबर एक्सेप्ट करता है, डेसिमल पॉइंट वाले, दशमलव वाले नंबर भी ऐड करता है। तो इस बार मैंने डेटा टाइप चेंज कर दिया फ्लोट, num1 num2 तो है ही, मल्टीप्लाई की जगह मैं कर दूंगा डिवीजन। बाकी सारी printf scanf की लाइन एज इट इज, जो Multiply=a-b लिखा था उसके लिए मैं कर रहा हूँ Divide=a, डिवाइड का साइन और b, दोनों का डिवाइडेशन होगा और आंसर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब मैं इस लाइन को प्रिंट कर रहा हूँ, द डिवीजन इज, जो पहले मैंने मल्टीप्लाई को प्रिंट करा रखा था उस जगह मैं किसको प्रिंट करा दूंगा, डिवीजन को प्रिंट करा दूंगा। तो मेरे पास आंसर किसके रूप में आ जाएगा, डिवीजन के रूप में आ जाएगा। इस प्रोग्राम को चलाते हैं, num1 एंटर करते हैं, num2 एंटर करते हैं और डिवीजन मेरे सामने आ गया। यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप इसलिए लिया गया है क्योंकि
डिवीजन के टाइम आंसर किस में आ सकता है, पॉइंट वाले नंबर में, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में आंसर आ सकता है, इसलिए कौन सा डेटा टाइप लिया गया है, फ्लोट टाइप का। ये चारों प्रोग्राम आपको समझ में आ गए। ये चारों प्रोग्राम बनाने का उद्देश्य ये है कि बाद में इन चारों प्रोग्राम का यूज करके हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करेंगे। एक टॉपिक आएगा आगे, इन चारों प्रोग्राम को कंबाइंड करके एक छोटा सा कैलकुलेटर नाम का एक प्रोग्राम बना देगा जो कमांड लाइन से चलेगा। इसलिए ये चारों प्रोग्राम अभी बताएं आपको कि आपको बाद में क्लियर रहे कि इनके थ्रू हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, कैलकुलेटर नाम का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे।